हर हर करती यमुना आज महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट तक पहुंच गई। सुबह होते होते मेन गेट आधा पानी में डूब चुका था। मेन गेट पर जहां राजघाट लिखा है वो आधा पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। राजधानी के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। लाल किले तक को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। दिल्ली सचिवालय में पानी भर गया। श्मशान घाट भी बंद करने पड़े। कई इलाकों में पेयजल का संकट पैदा हो गया क्योंकि 3 ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े। कई सड़कों पर पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं, यहाँ पे नदी बह रही है। आज राजघाट की तस्वीर देख लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, हे राम। आधी रात के बाद यमुना का पानी महात्मा गांधी की समाधि राजघाट परिसर में पहुंच गया। राजघाट रिंग रोड पर है और यमुना नदी के पास है। कल से ही रिंग रोड पर पानी आना शुरू हो गया था और दिल्ली की कई सड़कों पर नाव भी चलती हुई देखी गई थी। ये नजारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को हैरान कर रहा है, क्योंकि ये नजारा कहीं किसी गली मोहल्ले का नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली का है। यमुना का पानी लाल किले की दीवारों तक पहुंच गया है और कई इलाकों में लोगों को कमर तक और कुछ स्थानों पर गर्दन तक पानी में यात्रा करते हुए देखा गया। राजघाट और पुराने किले वाले इलाके में भी काफी जलभराव देखा जा रहा है। आधी रात के बाद ही राजघाट पार्क में पानी आने लगा था और तड़के बाढ़ का पानी बापू के समाधि स्थल तक पहुंच गया था। उत्तर भारत में लगातार बारिश के बाद जीवन अब भी अस्त व्यस्त है। हालात ये हैं कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक नदियां उफान पर हैं और इतने इलाकों में कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं लोग दहशत में जी रहे हैं, कहीं लोग और सामान सब कुछ बहता जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में हालात बुरे हैं तो वहीं पंजाब में नदियों की बांध टूट रहे हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है तो वहीं मथुरा में भी नदी का जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हिमाचल में 80 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 10 लोगों ने चंडीगढ़ में जान गंवाई। दिल्ली में यमुना ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया है जैसे पूरे शहर को डुबोने पर आमादा है। दशकों का रिकॉर्ड टूट गया है। जलस्तर 208 मीटर के पार पहुंच चुका है। राजधानी में बाढ़ जैसे हालात नहीं है बल्कि भीषण बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में घर दुकान सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली में जो यमुना प्रदूषण और लगातार अतिक्रमण से किसी नाले जैसी हो गई थी, अब वो इतना विकराल रूप ले चुकी है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इंसानी अतिक्रमण पर जैसे कुदरत अपना बुलडोजर चला रही है, पलट कर जवाब दे रही है और बोल रही है कि देखो यही है तुम्हारे कर्मों का फल। वहीं बताते चलें कि दिल्ली के डूबने के जिम्मेदार हम और आप भी कम नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने दिल्ली में यमुना की जो दुर्गति की है उसका बदला लेने पर यह नदी उतारू हो गई है। ओ जोन, यानी कि वो जोन, यानी कि नदी का वो इलाका जहां किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित होता है, उसमें धड़ल्ले से अवैध निर्माण होते रहे। यमुना के पेट तक में निर्माण किया गया। बात चाहे पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार और आसपास के इलाकों की हो, या फिर दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर की हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वजीराबाद और आसपास के इलाकों की हो, हर जगह यमुना में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ। डीएनडी से लेकर गीता कॉलोनी, ओखला, वजीराबाद और पल्ला बेल्ट तक अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। यमुना के एकदम किनारे नई नई कॉलोनियां उगती जा रही हैं, जैसे बरसात के मौसम में नए पेड़ फल उगते हैं ना, वैसे ही जैतपुर एक्सटेंशन, सोनिया बिहार, राजीव नगर जैसी कॉलोनियां इसके उदाहरण हैं। यमुना किनारे धड़ाधड़ अवैध निर्माण से नई नई कॉलोनियां आकार लेती जा रही हैं। एनजीटी ने कभी यमुना किनारे खेती पर ही प्रतिबंध लगाया हुआ था, वहां अब खेती तो छोड़िए, अवैध पक्के निर्माण तक धड़ल्ले से होते जा रहे हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 में एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसके मुताबिक यमुना के फ्लड प्लेन में करीबन 960 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हो रखी थी। यहां तक कि बाकी चीजें छोड़िए, सरकार भी यमुना के आंचल में निर्माण से हिचकी नहीं। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, मिलेनियम पार्क बस डिपो इसके जीते जागते सबूत हैं। इन सबका निर्माण कहां हुआ? ओ जोन में, जहां निर्माण नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो उसका बुलडोजर एक ना एक दिन तो चलेगा ही चलेगा। यमुना के विकराल रूप लेने की एक सबसे बड़ी वजह उसमें सिल्ट का बढ़ना भी है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स रिवर्स पीपल के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सिल्ट जमा होने से यमुना का रिवर वेड ऊंचा हो गया है। उन्होंने बताया कि वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के दायरे में ही 20 से ज्यादा पुल बने हैं। इससे नदी में सिल्ट जमा होता जा रहा है। यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों स्वाहा, नतीजा मिला कुछ भी नहीं।
दिल्ली में यमुना को साफ करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं बदली। ये जो काला पानी है ना, वो काले से सफेद होने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट 1994 से यमुना में प्रदूषण को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी कर रही है। तब से शुरुआती 21 सालों में ही यमुना की सफाई के नाम पर यूपी ने 2052 करोड़, दिल्ली ने 2387 करोड़ रुपए और हरियाणा ने 549 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन यमुना तो काली की काली रह गई। दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए 2017 से 2021 के दौरान 5 वर्षों में ही 8,856.91 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन यमुना का पानी आचमन तो छोड़िए नहाने के लायक भी नहीं बचा। प्रदूषण घटने के बजाय और बढ़ गया और इस साल जनवरी में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 सालों में यमुना में प्रदूषण का स्तर 2 गुना हो गया है। यानी कम नहीं हो रहा है पैसा खर्च करने के बाद, पैसा भी खर्च हुआ और प्रदूषण भी बढ़ा, वो भी 2 गुनी रफ्तार से। 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से सिर्फ 9 ही मानक स्तर के तहत काम कर रहे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली बाढ़ का कहर झेल रही है। इससे पहले दिल्ली 1924, 1977, 1978, 1995, 2010 और 2013 में भी भीषण बाढ़ से जूझ चुकी है। लेकिन इससे पहले 45 साल पहले जो 1978 में बाढ़ आई थी ना, वो दिल्ली की अब तक की सबसे भयानक बाढ़ थी। क्या फिर दिल्ली में है 1978 वाले हालात? आखिरी बार 1978 में यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली में प्रलयकारी बाढ़ आई थी। इस बार भी यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ आई हुई है और इस साल यमुना नदी का जलस्तर 207.66 मीटर तक पहुंच चुका है, जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। और इससे पहले 1978 में दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। 1978 में लाखों लोग हो गए थे बेघर। दिल्ली ने 1978 में बाढ़ के कारण जो प्रलय देखी थी ना, उससे पहले आई किसी भी बाढ़ में ऐसे हालात नहीं बने थे। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिसके कारण लोगों को बेघर होना पड़ गया था। और इस बार भी दिल्ली में हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। यमुना का जैसा अभी जल स्तर प्रलयकारी हो गया है, उस समय भी ऐसे ही हालात थे, ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1978 में जो दिल्ली ने बाढ़ देखी थी, इससे पहले 100 सालों तक ऐसी बाढ़ नहीं देखी गई थी और देश की राजधानी में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई थी। सभी क्षेत्रों में सेना को तैनात किया गया था। यमुना के सभी पुलों पर यातायात को बंद कर दिया गया था। यमुना नदी का पुराना रेलवे पुल खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही थी और अंत में नदी का जल स्तर 207.49 मीटर के खतरे के निशान को छू चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1978 में भी हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया था, जिसके कारण दिल्ली की यमुना में प्रलयकारी बाढ़ आने से पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई थी और हम सब शर्म से पानी पानी हो गए थे। तो दोस्तों, अब ये देखना बाकी है कि आखिरकार प्रकृति कब तक अपना ये कुरूप दिखाती है और अपना बुलडोजर चलाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रकृति का ही प्रकोप है या फिर हम मानवों द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें मिल रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।